हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे भोजनशाला में। आज हम बनाएंगे एक ही मलाई से घी और मावा, और इस मावे से मैं आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनाना भी बताऊंगी, जो कि सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आइए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैंने एक कटोरी मलाई ली है, और ये मलाई मेरी 8 दिन की मलाई है, जिसे कि मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ था। आधा कटोरी हमें दूध चाहिएगा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गैस ऑन कर दिया है, और गैस पे हमने पैन को चढ़ा दिया है। अब हम उसमें सारी मलाई डाल देते हैं। मलाई डालने के बाद में अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। घी बनाने के लिए आप किसी भी मोटे पेंदे वाले बर्तन का ही यूज करें, या फिर आप नॉन स्टिक पैन का यूज करें, उसमें हमारी मलाई चलेगी नहीं और घी बहुत अच्छा बनेगा। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए, मलाई पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच दूध का डाल देते हैं। फिर से हम इसे मिक्स करते करेंगे और इसी तरीके से चलाते रहेंगे। दूध डालने से जो मावा बनेगा वो बहुत सफेद बनकर के आएगा, इसलिए इसमें हम दूध का यूज कर रहे हैं। अब ये देखिए, मलाई में उबाल आ गया है, तो फिर से हम इसमें दूध डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच। मिक्स करेंगे और इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, घी बनना शुरू हो गया है। इसे कुछ देर रोज चलाना है इसे अभी हमें। कुछ देर चलाने के बाद में आप देख सकते हो कितना दानेदार मावा बनकर के तैयार हुआ है। इसे हमें ज़्यादा जलाना नहीं है, क्योंकि हम इसकी मिठाई बनाएंगे जो कि खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं, और नीचे उतारने के बाद में अब हम इसे छानेंगे। तो छानने के लिए हमने एक बर्तन लिया है, ऊपर से हमने छलनी लगा दी है, और उसमें हम ये सारा घी डाल देते हैं। अब हम चम्मच की सहायता से इस तरीके से दबाते हुए जो इसमें जो घी है वो सारा निकाल देते हैं। इसे हल्के हाथों से ही दबा करके निकालें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा घी निकाल लिया है, और इतना मावा हमारे पास रह गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घी और मावा दोनों तैयार है। आप देख सकते हो कितना अच्छा मावा बना है, सफेद दानेदार मावा बना है। तो फ्रेंड्स, इसके मिठाई में अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगे कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।